हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको डुअल चैनल बेस ट्रेबल सर्किट बना के बताऊँगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका से मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको मैं स्टेप बाई स्टेप आपको अच्छे से बता सकूँ। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मेरे पास ये डुअल चैनल का ये पोटेंशियोमीटर है जो कि सबका वैल्यू है 100 के। आप वॉल्यूम के लिए 47 के और 50 के भी ले सकते हैं सबका वैल्यू। तो मेरे पास, मैं फ़िलहाल सबका 100 के ही यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 पोटेंशियोमीटर ये लगेंगे जो कि ये डुअल चैनल का है, इसलिए मैं यहाँ पे 6 पिन वाले का यूज कर रहा हूँ। जैसे कि देख सकते हैं, ऊपर 3 पिन है और नीचे 3 पिन है, सबका सेम रहेगा। और दोस्तों, मेरे चैनल में सिंगल चैनल का भी बना हुआ है वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो सिंगल चैनल का है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे तो इसलिए मैं ये डुअल चैनल का ये बना रहा हूँ दोस्तों। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 4 रेजिस्टेंस लेंगे जो कि क्वार्टर वार्ड में होगा, जिसका वैल्यू रहेगा 1 के। आप 2.2 के भी ले सकते हैं। 4 पीस हमें ये चाहिए और 8 पीस हमें ये, जैसे कि अभी देख सकते हैं, 104 J नॉन पोलर कैपेसिटर चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 8 पीस चाहिए। तो यही दोनों कंपोनेंट लगेंगे दोस्तों। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल तरीका से मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि एक PF को लेकर हम यहाँ पे ये जो साइड वाले में जो दो आपको पिन दिख रहा है उसमें कनेक्शन कर लेंगे, ऊपर में भी और नीचे में भी। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर ऊपर नीचे करके दोनों में कनेक्शन कर दिया है। जैसा कि देख सकते हैं, ऊपर वाले पिन में भी एक PF का यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है और नीचे वाले पिन में ही इसका एक कनेक्शन कर दिया है। जस्ट यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, इस तरीका से जोड़ देना है। और ठीक उसी तरीका से हमें इस साइड भी कनेक्शन करना होगा। जैसा कि मैंने इस साइड कनेक्शन किया है, उस साइड ये बीच वाले को छोड़कर इस साइड वाले में दोनों PF का कनेक्शन हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इस साइड भी 2 PF का कनेक्शन कर लिया है, एक नीचे से। जैसे कि देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे ये वाले पिन में, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले ये नीचे वाले को मैंने कर लिया है जैसे कि देख सकते हैं, और ऊपर वाला में भी मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर लिया है। तो ये इस तरीका से 4 PF दोनों ऊपर नीचे करके लगा लेना है। और फिर हम क्या करेंगे कि इस वाले में पिन में जो कि हमारा बेस का ये रहेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें 2 PF हम इसमें कनेक्शन करेंगे। PF को कुछ इस तरीका से कनेक्शन करेंगे, 4 PF ऊपर, 4 PF नीचे। तो चलिए हम आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है उसका पिन कुछ इस तरीका से कनेक्शन कर दिया है। एक पिन को लेकर इस पिन में और दूसरे पिन को इस बीच वाले में, फिर इस पिन में एक पिन और फिर दूसरे वाले का पिन, इसमें एक साथ यहाँ पे जोड़ दिया मैंने यहाँ पर, जैसे कि देख सकते हैं। तो इसी तरीका से कनेक्शन हम ऊपर वाले पिन के साथ भी करेंगे जैसे नीचे वाले के साथ मैंने किया है। सेम टू सेम ऊपर कनेक्शन होगा, जैसा कि 2 PF मैंने नीचे कनेक्शन किया है, उसी तरीका से ऊपर वाले पिन में भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते दोस्तों, मैंने ऊपर वाले पिन के साथ भी यहाँ पर इसका कनेक्शन कर लिया है। जैसा कि देख सकते हैं, ये नीचे वाले पिन के जैसा था, ऊपर वाले में भी मैंने इसके पिन के कनेक्शन कर दिया है। सेम टू सेम इस तरीका से कर लेना है दोस्तों। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको क्या करेंगे कि यहाँ पे जो बेस वाला पिन है, यहाँ ये वाले पिन से लेके हम वॉल्यूम के इस वाले पिन में कनेक्शन कर देते हैं। तो चलिए हम इसका कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का कनेक्शन मैंने कर लिया दोस्तों। जैसे कि देख सकते हैं, ये वॉल्यूम के इस वाले पिन से यहाँ पे एक 1K का रेजिस्टेंस लेकर मैंने यहाँ पे इस पिन में कनेक्शन कर दिया है। जैसा कि देख सकते हैं, अगर ऊपर वाले से अगर कनेक्शन करते हैं तो सेम टू सेम हमें यहाँ से एक रेजिस्टेंस ऊपर वाले पिन से लेकर, जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ इस वाले पिन से लेकर हम ऊपर वाले पिन में देंगे। जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ से जो पिन मैंने कनेक्शन किया है उसका डायरेक्ट हम 1K का रेजिस्टेंस लगाते हुए इस पिन में मैंने कनेक्शन किया है। और ये स्लिप मैंने इसलिए लगा दिया दोस्तों कि यहाँ पे ये और जो इसके पिन है इसमें शॉर्ट ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्लिप लगा दिया है।
तो इसका ध्यान से आप देख लें, इसका कनेक्शन कुछ इस तरीका से गया है। ठीक उसी तरीका से एक और रेजिस्टेंस लेके इस पिन से लेके ऊपर वाले जो कैपेसिटर का जो यहाँ पे पिन है उसमें हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ ठीक उसी तरीका से जैसे नीचे मैंने कनेक्शन किया है, ऊपर इस पिन से लेके यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं ऊपर वाले पिन से लेके मैंने ऊपर वाले में कनेक्शन किया है। जैसा कि मैंने सेम टू सेम नीचे किया, ठीक उसी तरीका से मैंने ऊपर वाले पिन में किया है और डायरेक्ट इस ग्राउंड वाला पिन होगा ये हमारा, उसमें मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है। अब क्या करेंगे दोस्तों कि फिर से हम 1K का रेजिस्टेंस लेकर इसके बीच वाला जो पिन है, इसको बीच वाला पिन को हम लेकर डायरेक्ट हम इस साइड वाले में उठा कर रख देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे मैंने इस साइड से किया था, अब इसके बीच वाले पिन से लेके इस साइड वाले पिन में 1K का रेजिस्टेंस ऊपर से लेकर नीचे तक हम इसमें कनेक्शन करते हैं। तो चलिए हम इसका कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसका पिन का कनेक्शन कुछ इस तरीके से किया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे कि जैसा कि आप देख सकते हैं जो ये वाला पिन था उसका कनेक्शन इस पिन में हुआ है, और जो बीच वाला से मैंने कनेक्शन बताया था दोस्तों, ये वॉल्यूम का जो बीच वाला पिन है उसमें से एक रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्लिप लगाया है ताकि इसमें दोनों में टच ना हो, इस साइड वाले में कनेक्शन कर दिया है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीका से कनेक्शन कर दिया है इस बीच में से लेकर और इस साइड वाले में। उसी तरीका से क्या करेंगे दोस्तों कि इस ऊपर वाला जो पिन है हमारा, जैसा कि देख सकते हैं ऊपर वाले पिन में लेकर हम इस पिन वाले में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसका डायरेक्ट इसका सोल्डिंग बीच वाले पिन से लेके डायरेक्ट इस साइड वाले पिन में कर दिया है। इस तरीका से कर लेना दोस्तों। तो वायर इसमें हम कनेक्शन करते हैं अब, तो इसका कनेक्शन कुछ इस तरीका से होगा दोस्तों। तो अभी क्या करेंगे दोस्तों कि दो वायर का टुकड़ा हम इसमें जोड़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पे जो साइड वाला दो कैपेसिटर है उसका पिन यहाँ पे खाली है और एक पिन यहाँ पे खाली है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं ये वाला कैपेसिटर जो कि इस वॉल्यूम के दोनों साइड वाला में लगा हुआ है, तो इस दोनों का पिन जो यहाँ पे बचा हुआ है ये वाला और ये वाला, उसमें हम दो वायर जोड़ लेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीका से। जैसे कि देख सकते हैं, मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो यहाँ पे इस तरीका से वायर जोड़ लेना है। देख सकते हैं ये दोनों अलग है, यहाँ पे पिन है ये इस साइड वाला है, मैं इस साइड का बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो दो पिन यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों वायर को क्या करना है, यहाँ पे जो आपको साइड वाला पिन दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये दोनों जो पिन दिख रहा है आपको ये वाला, एक इसमें कर देंगे और एक इसमें कर देंगे। तो कनेक्शन इस तरीके से करना होगा, जो ऊपर वाला वायर आएगा इस पीएफ का ऊपर वाला, उसके ऊपर वाले में कनेक्शन करेंगे और जो नीचे वाला होगा उसका हम नीचे में करेंगे। तो चलिए इसका हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका कनेक्शन मैंने कर दिया है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर दो वायर लिए हैं, इस पीएफ का ऊपर वाला पिन और नीचे वाला पिन, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, यहाँ पे मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है। जैसे कि देख सकते हैं इस वाले पिन में यहाँ पे और एक नीचे, ठीक है। इसी तरीके से क्या करना होगा दोस्तों कि ये जो दो पीएफ बचा हुआ है, इस दोनों पीएफ के फिर दो तार का टुकड़ा हम लेंगे और बीएस वाले के इस पिन में कनेक्शन करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर इस पिन में और इसके होने वाले नीचे वाले पिन में, मान लीजिए एक यहाँ पे जोड़ देंगे और एक यहाँ पे जोड़ देंगे। तो चलिए हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से वायर जोड़ लेना है, यहाँ पे जो दो पीएफ लगा हुआ है उसका यहाँ पे, और इसका कनेक्शन हम करेंगे यहाँ पे, ये जो दो ऊपर पिन है यहाँ पे और नीचे वाले पिन में, दोनों का कनेक्शन करेंगे कुछ इस तरीका से। इसका ऊपर वाला होगा वायर उसका ऊपर वाले में और नीचे वाले को नीचे वाले में कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसका कनेक्शन, यहाँ पे जो इसका पिन आता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें कनेक्शन कर दिया है और इसके जस्ट नीचे मैंने कर दिया इस वाले पिन में जो कि यहाँ पे आता है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि बीच वाला जो इस ट्रेबल का जो बीच वाला दो पिन बचा हुआ है यहाँ पे, जैसा कि देख सकते हैं ये वाला और ये वाला, इस दोनों का वायर लेकर हम इसके डायरेक्ट इस साइड वाले में डाल देंगे। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ये पिन जो बचा हुआ है यहाँ पे इस दोनों पिन में, यहाँ पे ये बीच वाला को दोनों उठाकर ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले के साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो
जो पिन बचा हुआ था खाली ऊपर और नीचे वाले में दो पिन दो वायर लगा लिया मैंने, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे और एक नीचे वाले में। तो उसको उस वायर को हम यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले के साथ मैंने कनेक्शन कर लिया दोस्तों। सर्किट ये हमारा बोर्ड कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो इसका जो इनपुट होगा ऑडियो इनपुट, जो कि आप किसी मॉड्यूल से या ऑक्स केबल से देना चाहोगे, तो इसका जो यहाँ पे इनपुट होता है लेफ्ट राइट, तो उसका कनेक्शन यहाँ पे होगा दोस्तों। जैसे कि देख सकते हैं ये वाला जो पिन आपको दिख रहा है, ये वाला, ये पिन और ये पिन, इसमें देंगे तो इसका जो कनेक्शन आता है दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हम इसमें भी ऑडियो इनपुट देंगे यहाँ पे और यहाँ पे, और एक जो ग्राउंड होगा दोस्तों उसका यहाँ पे ये पिन आता है, तो उसका एक साथ हम ग्राउंड में कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम इसके लेफ्ट राइट और ग्राउंड का कनेक्शन कर लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे लेफ्ट राइट का कनेक्शन किया। जो ये पिन होगा, मान लीजिए ये जो बेस का जो पिन होगा इस साइड वाला, ऊपर और नीचे वाले में हमारा लेफ्ट राइट होगा, तो उसका पिन जो यहाँ पे मैंने कनेक्शन किया है, यहाँ पे इस वायर रहता है, तो यहाँ पे मैंने इस लेफ्ट और राइट का कनेक्शन कर दिया है। और ये जो बचा ग्राउंड दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं डायरेक्ट मैं इसको ऑक्स केबल से देने वाला हूँ। तो इसको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे जो PF आया हुआ है यहाँ पे, और ये दोनों अलग अलग है, इसको हम एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीका से एक साथ जोड़ देंगे। और ये जो हमारा ब्लैक वाला वायर होगा उसको हम भी एक साथ जोड़ देंगे, जो कि हमारा ये ग्राउंड हो जाएगा। तो चलिए हम आपको इसको जोड़ कर दिखाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि ये दोनों PF का कनेक्शन एक साथ मैंने करके यहाँ पे इसको ग्राउंड कर दिया है। तो दोस्तों ये हमारा ऑडियो इनपुट हो गया है यहाँ पे, जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा ऑडियो इनपुट होगा। और आउटपुट होगा हमारा दोस्तों कि यहाँ पे जो पिन बचा हुआ है वॉल्यूम का बीच वाला, यहाँ पे ये लेफ्ट राइट दो बीच में ले लेंगे, और यहाँ पे एक पिन से ग्राउंड ले लेंगे ऊपर से या नीचे पे, क्योंकि यहाँ पे नीचे और ऊपर वाला जो वायर आता है उसको हम एक साथ जोड़ दिए हैं। तो ये हमारा ग्राउंड हो गया, और हमारा यहाँ से जो आउटपुट करेगा दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने एक 4440 का डुअल चैनल यूज किया है, जो कि यहाँ पे इसमें बिना बेस ट्रिबल का है। तो उसका जो यहाँ पे लेफ्ट राइट आता है दोस्तों यहाँ पे, उसका कनेक्शन हम उस वॉल्यूम के बीच वाले पिन में कर देंगे। यहाँ जो ऊपर नीचे पिन बना हुआ है उसमें हम करके दिखाते हैं आपको। तो जो हमारा एम्पलीफायर में जाएगा दोस्तों आउटपुट यहाँ से, तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं ये वॉल्यूम का जो बीच वाला पिन बचा था ऊपर लेफ्ट राइट, जो कि आउटपुट करता है, और एक वायर जो होगा ग्राउंड होगा मेन बोर्ड का। तो ग्राउंड हम यहाँ से ले लेंगे वॉल्यूम के इस साइड से, जैसा कि यहाँ पे ग्राउंड है तो यहाँ पे भी ले सकते हैं, और उसका ग्राउंड यहाँ पे भी आता है तो आप यहाँ भी ले सकते हैं। तो सिंपली इसका हम ग्राउंड यहाँ से ही ले लेते हैं। तो दोस्तों लगभग हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जो आउटपुट करेगा दोस्तों यहाँ पे, ये यह हमारा इनपुट हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा ऑडियो इनपुट हो जाएगा। तो चलिए हम आपको इसका साउंड चेक करके दिखाते हैं कि हमारा बेस ट्रेबल कितना अच्छा से काम कर रहा है। तो चलिए हम इसमें अब पावर सप्लाई देते हैं और इसमें हम सॉन्ग चालू करते हैं। यहाँ पे सॉन्ग को मैंने यहाँ पे चालू कर दिया है, और यहाँ पे हम इसको सप्लाई देते हैं एक स्पीकर है यहाँ पे, और ये हमारा वॉल्यूम है। ये वाला जो है दोस्तों हमारा बेस है, बेस अभी बिल्कुल कम है। ये हमारा ट्रेबल का दोस्तों बहुत अच्छा काम कर रहा है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि ये बेस ट्रेबल सर्किट बहुत ही अच्छा काम कर रहा है।
दोस्तों ये 100% है कि ये वर्क करता है, और दोस्तों ये बिल्कुल फेक नहीं है, बिल्कुल 100% है ये वर्क करता है और बहुत ही अच्छा काम करता है, जैसे कि आपने खुद देखा ही कि ये कितना अच्छा काम कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीका से आप अपने घर पे बेस्ट ट्रेवल सर्किट बना सकते हैं, वो भी डुअल चैनल का। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।